श्रद्धा बेटा, तुम किसी को कुछ मत बताना। मेरा मतलब है कि जेवर खोने के बारे में अगर तुम्हारे बाबूजी को पता चल गया कि मैंने डागीना बांधी हुई पोटली कोकिला मोदी के कंपाउंड में फेंकी थी, तो मुझ पर बहुत गुस्सा होगे। पर मम्मी जी, अगर जेवर नहीं मिले तो फिर तो हमें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी ही होगी, क्योंकि तलाशी तो सोसाइटी के सभी घरों की होगी। ओह नो, इसका मतलब ये ज्वेलरी सविता आंटी की है। मम्मी जी, अगर पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे तो इनकम टैक्स वालों को पता चल जाएगा, और अगर इनकम टैक्स वालों को पता चल गया तो फिर तो जेवर गए हाथ से मम्मी जी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं माँ जी, सब ठीक ही होगा। नहीं गोपी, वो फिर भी एक बार हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए। मीठी जी, नानी भाभी, भंडार घर में गत्ता जो रखा है उसमें अचार की शीशियां है, उसे संभाल कर लेकर आ जाओ जल्दी। अभी नहीं। नानी भाभी ये लीजिए। मीठी वहां रखो उसे। जी गोपी वो देख लेते हैं एक बार, आओ। और सुनो, तुम छत पर चली जाओ, अगर कपड़े सूख गए हो तो उसे उतार लेना। जी नानी भाभी। ये क्या है गोपी वो? हे कृष्ण भगवान, ये इतना सारा तेल! मैंने तो अचार ठीक से बनाया था, ये तेल। गोपी वो, मैं जानती हूँ कि तुमने ये अचार अच्छे से बनाया है। तुम चिंता मत करो गोपी वो, जिसने भी इस आचार को बिगाड़ा है मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। जिगर जी भाई। जिगर, हमें अपने अकाउंट्स को लेके काफी केयरफुल रहना होगा, और हाँ, इस बात का ही पक्के से ध्यान रखना होगा कि हमारे पेपर्स और फाइल सब एक जगह पे रखी हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का क्या भरोसा, कभी भी आ सकते हैं। चल जाके चेक कर लेते। जी भाई। यहाँ कभी भी रेड पड़ सकती है, हमारे घर में, और सविता आंटी वहां पुलिस कंप्लेन। गॉड, आज तो मैं और मम्मी गए। मम्मी को फोन करती। नहीं नहीं, पहले दरवाजा बंद करती हूँ। मम्मी रेड। क्या रेड? इनकम टैक्स की रेड। मम्मी आप जानती है ना इसमें कितना खतरा होता है। इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए सविता आंटी ने अपने सारे जेवर वहाँ फेंक दिए, जो जेवर हमें मिले। मैंने तो उन्हें ये भी कहते हुए सुना कि अगर उन्हें अपने जेवर वापस नहीं मिले तो वो पुलिस में कंप्लेन कराएंगी। अरे माशू, दागी ने तो मेरे पास है,
और वैसे भी इस गरीब की चाल में कौन आएगा रेट डालने? हाँ, रेट तो तेरे घर पे पड़ेगी ना। एक काम कर दिकरा, तू अपने दागिने भी मुझे दे दे। मम्मी आप भी ना, आप प्लीज जिद मत करी। और वैसे भी आपको कुछ पता भी है, जब एक जगह रेड होती है तब उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी होती है, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोग अपनी कीमती चीजें अपने गरीब रिश्तेदारों के यहाँ छिपा देते हैं। तो मुझे गरीब बोली? मम्मी प्लीज इस वक्त शब्दों को मत पकड़ो। देखो आप अभी के अभी वो सारे जेवर यहाँ ले आइए, और हाँ हम वो वहीं रख देंगे जहाँ से हमने उठाए, वरना पुलिस केस हो गया तो। ना ना, वो पोताना दागीना मारा थी, जुदा नहीं करूँ। मम्मी प्लीज देखिए, वो वैसे भी जेवर आपके नहीं है। और हाँ, अब ज्यादा नाटक मत करो, वरना हम दोनों के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। कुछ नहीं होगा ना। मेरा नाम भी सविता भी नहीं। आप मेरी बात समझ गए ना?